हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ अल्केन कंपाउंड। तो अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। और अल्केन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन। सफिक्स मतलब क्या? बाद में हम लगाते हैं एन। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो जब आप आईपीसी नेमिंग करते हो ना, तो सबसे पहला रूल क्या होता है? आपको कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक ही चेन दिख रही है, ठीक है? ये कार्बन कार्बन की चेन है। देखिए, 1 2 3 4, फोर कार्बन है। सो फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है ब्यूट। वन कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं मेथ। टू कार्बन के लिए एथ। थ्री कार्बन प्रॉप। फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। फाइव कार्बन पेंट। सिक्स कार्बन हेग्स। सेवन कार्बन एट कार्बन। नाइन कार्बन टेन कार्बन। तो सेवन के लिए होता है हेप्ट। फॉर एट ऑक्ट। फॉर नाइन कार्बन नॉन। एंड फॉर 10 डेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, फोर कार्बन है। तो फोर कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाएंगे? ब्यूट। तो हमने ब्यूट लिख दिया। अब देखिए, अल्केन का कंपाउंड है ना, यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आएगा? एन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन। सो कंपाउंड का नेम क्या है? ब्यूटेन। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लंबी चेन। तो अगर हम इस चेन को देखें तो 1 2 3, ये थ्री कार्बन की चेन है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये भी थ्री कार्बन की चेन है, ये भी थ्री कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर तीन तरीके से हमें तीन कार्बन की चेन दिख रही है। तीनों में से आप किसी भी चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो, क्योंकि तीन कार्बन की चेन ही आपको दिख रही है तीनों तरफ से। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है ना, जब आपको चारों ओर से सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन दिखे, तो क्या करो, ये जो स्ट्रेट वाली चेन दिखती है ना, इसे सिलेक्ट करना है आपको। ये होगी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर देखिए, जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो, तो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर अगर आपको कोई भी ग्रुप दिखता है, तो वो क्या होता है? वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया हुआ है वो अल्काइल ग्रुप है। अगर CH3 है तो उसका CH3 है तो उसका नेम क्या होगा? मिथाइल। अगर CH2 CH3 ग्रुप है तो वो होगा इथाइल। ये आपको याद रखना है, ठीक है? मैंने ये सारे एग्जांपल लिए, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्सटेंट लगाया है, ठीक है? एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। तो देखिए, यहाँ पर मेन चेन के बाहर कौन सा सब्सटेंट है? यहाँ पर है CH3। ये कौन सा सब्सटेंट है? इसका नेम क्या? मिथाइल। तो अब देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सब्सटेंट का नेम क्या है, लेकिन आपको ना यहाँ पर नंबरिंग करनी है। हम नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, कहाँ से करेक्ट नंबरिंग होगा? तो देखिए, आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो। 1 2 3, 1 2 3। तो जब हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, वेयर एस दिस इज राइट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो, तो देखिए ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसकी पोजिशन सेम आ रही है, ठीक है? तो ये जो दोनों तरफ से नंबरिंग है, दोनों ही करेक्ट है। तो सबसे पहले हम पोजिशन मैंशन करेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, देन 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, और सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? 2-methyl propane। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर कौन सा होगा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन? अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 है, तो 3 कार्बन का ही चेन है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखते इसे, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन की चेन है, ये लंबी चेन है। तो ये होगा मेन चेन।
नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो देखिए, जहाँ से ये जो सबस्टूडेंट है इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके चेक कर लेते हैं। वन टू, दिस इज थर्ड कार्बन, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थ्री, एंड दिस इज फोर कार्बन। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते इस साइड से, तो वन टू, दिस इज थ्री कार्बन, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंड दिस इज फोर कार्बन। तो देखिए, ये है सब्स्टिट्यूएंट, डेट इज मिथाइल ग्रुप। तो ये पास में कहाँ से पढ़ रहा है? अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पर पढ़ रहा है मिथाइल ग्रुप। अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये देखिए थर्ड कार्बन पर पढ़ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो सेकेंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर क्या है? सेकेंड इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ये करेक्ट नंबरिंग है, ये वाली, वन टू थ्री फोर। तो सेकेंड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? टोटल फोर कार्बन है, तो अल्केन क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। देन नेक्स्ट सीरीज वन, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो सिक्स कार्बन की चेन है। अगर हम इसे काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी सिक्स कार्बन की चेन है। मतलब ये है सेवन कार्बन की चेन, जो कि है मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो फोर्थ पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो वन टू थ्री फोर, तो भी फोर पर ही इथाइल ग्रुप आएगा। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ये जो इथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन सेम आएगी, तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। तो नेमिंग लिख देते हैं, फोर कार्बन पर प्रेजेंट है इथाइल, सो यहाँ पर आ जाएगा फोर इथाइल। सेवन कार्बन है मेन चेन में, तो अल्केन विल बी हेप्टेन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? फोर इथाइल हेप्टेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन कार्बन की, तो चेक कर लेना है। सबसे पहले ये वाली चेन देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं इसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये भी सेवन कार्बन की चेन है। मतलब यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है मेन चेन। दो तरफ से हमें सेवन कार्बन की चेन दिख रही थी, तो या तो आप इसे सिलेक्ट करो या तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कोई बात नहीं, दोनों ही करेक्ट है। तो अगर आपको दो तरीके से, तीन तरीके से सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन दिखे, तो आपको सिंपली जो सीधी वाली चेन है ना उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप। तो जब भी इथाइल मिथाइल दोनों प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तो आपको नंबरिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ई आता है, उसके बाद एम आता है। इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इथाइल ग्रुप पास में पड़ रहा है। तो इथाइल ग्रुप पास में कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से, इस साइड से। इस साइड से जब नंबरिंग करेंगे ना, तो ये जो इथाइल ग्रुप है ना, इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। देन नेमिंग लिख देते हैं, तो नेमिंग लिखते वक्त भी सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ई आता है। तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे थ्री इथाइल, देन फोर मिथाइल। मेन चेन में सेवन कार्बन है, तो अल्केन विल बी हेप्टेन। देन सीरीज वन, तो अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं, ये वाली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये है टेन कार्बन की चेन। अगर हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे, आप ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है? एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए, हमने तो एक ये वाली चेन देखी जो टेन कार्बन की चेन है। अगर हम इसे देखते हैं, तो कितने कार्बन है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट कार्बन की चेन। अगर हम ऐसे देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन कार्बन की चेन है। मतलब यहाँ पर ये वाली जो चेन है ना,
ये है मेन चेन, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर प्रेजेंट है इथाइल और मिथाइल ग्रुप, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से इथाइल पास में पड़े। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो ना, तो ये इथाइल ग्रुप पास में पड़ेगा, इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप। तो इस इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, ये साइड से, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो फिफ्थ पर प्रेजेंट है इथाइल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5-ethyl। देन वापस से फिफ्थ कार्बन पर ही प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5-methyl। मेन चेन में कितने कार्बन है, 10, तो अल्केन क्या आ जाएगा, डेकेन। देन सी द लास्ट एग्जांपल, तो यहाँ पर कौन सी होगी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए ये वाली जो चेन दिख रही है ना, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ये प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करते वक्त हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से इथाइल ग्रुप पास में पड़े, तो यहाँ से इथाइल ग्रुप पास में पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 4-methyl, 6-methyl, 9 कार्बन है मेन चेन में, तो अल्केन क्या आ जाएगा, नॉनेन। तो इस तरीके से आप अल्केन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कर सकते हो। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन को ही गलत सिलेक्ट कर लोगे तो कंपाउंड ही आपका गलत हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप नंबरिंग करते हो सबसे पहले कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना सीखो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।